बस स्त्री का लंबे गहरे श्वास लेना छोड़ना, एकाग्र चित्त हो करके, प्रशांत चित्त हो करके, प्रसन्न चित्त हो करके, पूरे सहज हो करके। मैंने बार बार संकेत किया है, ये योग का और जीवन का मूल सिद्धांत है। हम जब जो करें उसको पूरा तन्मय होकर के करें, एकाग्र चित्त प्रसन्न चित्त होकर के, तन्मय होकर के करें, पूरे समाहित होकर के करें, समग्रता के साथ, संतुलन के साथ करें। धर्मानुसार करें, प्रीति पूर्वक करें, न्याय पूर्वक करें, यथा योग्य करें। योग कर रहे हैं तो योग में पूरे समाहित चित्त होकर के, कर्म योग कर रहे हैं तो कर्म योग को पूरे समाहित चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के करें। युद्ध भी करें तो युद्धस्व विगतज्वर, भस्त्री का प्राणायाम सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से ना गड़बड़ करते हैं, कुछ तीव्र गति से करते हैं तो सिर हिलाते रहते हैं, कंधे हिलाते रहते, फिर पूरे हिलते रहते, ऐसे नहीं, सहजता से करना चाहिए। माने इसमें आकुंचन प्रसारण जब फेफड़ों में होता है तो वक्षस्थल में गति होगी, बाकी जगह स्थिरता होगी। स्थिरता पूर्वक गति, विश्राम पूर्वक श्रम, ये है योग का मूल सिद्धांत। सजग होके करना पड़ेगा तो सही होगा, नहीं तो मध्यम गति में तो कोई असुविधा है ही नहीं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य गति से मध्यम गति या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, यथा योग्य यथा शक्ति, ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम।